शराब के नशे में धुत होकर आदमियों को तो कई बार हवालात की हवा खाते हुए आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन जब एक महिला शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने पर हवालात पहुंची हो तो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। ऐसा ही एक वाक्य ज्वाला जी थाने में पेश आया है। जब शराब के नशे में धुत होकर हुड़दंग मचाने के आरोप में पुलिस द्वारा एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला द्वारा शराब पी गई है, इसकी पुष्टि उसका मेडिकल करवाने के बाद हुई है। ज्वाला जी अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र वर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा जो महिला अस्पताल में मेडिकल के लिए लाई गई थी उसने शराब पी हुई थी। दरअसल कुंभर पंचायत के क्षेत्र की रहने वाली एक महिला बस स्टैंड ज्वाला मुखी व ज्वाला जी बाजार के साथ लगती हनुमान गली में हुड़दंग मचा रही थी, जिसकी शिकायत लोगों द्वारा नजदीकी थाने में की गई। सूचना मिलते ही अतिरिक्त थाना प्रभारी विजय के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मचारी सहित अन्य पुलिस कर्मी जब मौके पर पहुंचकर महिला को समझाने का प्रयास करने लगे तो वे उल्टा उनके साथ उलझ पड़ी। इस बीच पुलिस को महिला द्वारा शराब पीने की आशंका लगी तो उन्होंने उसका ज्वाला जी अस्पताल में मेडिकल करवाया गया व उसके बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। डीएसपी तिलकराज ने मामले की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार महिला पहले से ही शराब की आदी है और कई बार घर में भी हो हल्ला करती रहती है। वहीं जब महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तो वहां भी हुड़दंग मचाने से पीछे नहीं हटी और पूरा दिन अनाप शनाप बयानबाजी करती रही। बहरहाल पुलिस ने धारा 114 के तहत मामला दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई है। थाना प्रभारी पुरुषोत्तम धीमान ने बताया कि हमें शिकायत मिली थी कि एक महिला शराब पीकर हुड़दंग मचा रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पहले महिला का मेडिकल करवाया गया व बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सभी का साथ सभी का विकास की भावना से कार्य कर रही है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना भी इसी सोच का परिणाम है, जिससे ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को धुआं रहित ईंधन की सुविधा उपलब्ध हुई है। ये बात हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने नादौन के समीप बेला में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित करने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना से छूटे हुए परिवारों को प्रदेश सरकार की ओर से गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में एक वर्ष में 1 लाख से अधिक गृहिणियां इससे लाभान्वित हुई हैं। हमीरपुर जिला में प्रथम 3 चरणों में लगभग 8,055 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। चौथे चरण में 3,700 परिवारों को कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में क्षेत्र की 32 पंचायतों के 384 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अब तक अतिरिक्त गैस सिलेंडर भी निशुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गांव, गरीब किसानों के हित में नई नई योजनाएं आरम्भ की है। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए आयुष्मान भारत योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। इस योजना से छोटे परिवारों के लिए हिम केयर योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक निशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। असहाय व बेसहारा लोगों को 7 गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए सहारा योजना के अंतर्गत प्रति माह 2,000 रुपए की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर मंडलाध्यक्ष भवानी सिंह, महामंत्री हरदयाल ठाकुर, उपमंडलाधिकारी नादौन दिले राम धीमान, जिला नियंत्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिवराम राही, क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम पंकज शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
सोलन के बाजारों में अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद लगातार अभियान छेड़े हुए है। नगर परिषद के कर्मचारियों ने शिकायत पर सोलन के लोअर बाजार में कार्रवाई अमल में लाई, जिसमें कुछ दिन पहले व्यापारियों को चेतावनी भी दी गई थी कि वे अपना सामान केवल दुकानों के अंदर लगाएं और बाजार के सड़क पर अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारियों ने अपनी हट नहीं छोड़ी तो नगर परिषद ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई, जिस कारण आज बाजार में खलबली मच रही है। अधिक जानकारी देते हुए नगर परिषद के वर्क सैनिटरी इंस्पेक्टर ने बताया कि जब वे अतिक्रमण पर कार्रवाई अमल में ला रहे थे तो कुछ दुकानदारों ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी और दो दुकानों का सामान भी जब्त किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी उनकी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मैं